गणपति बप्पा। तो सभी को मालूम है कि हाँ गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, गणेश जी बने कैसे, गणेश जी बने कैसे मालूम है? मालूम है, दादी नानी कहानियां सुनाए आपको, बस आप दोनों को सुनाए, इन लोगों को आई डोंट थिंक सुनाए हैं। ओके, पता है गणेश जी कैसे बने? गणेश बप्पा, गणेश जी की पूजा करते हो ना? किए ना अभी? हाँ, ओ टर्मरिक, सही बोल रही, सही बोल रही, सही आंसर। इसके लिए चॉकलेट है। ओके, तालियां तालियां तालियां। हाँ, पता है? ठीक है ठीक है, कोई नहीं, हम है मैं हूँ इधर, मैं बताएगा, टेंशन ना लेने का रे, मैं बताएगा, मैं आया इधर। ठीक है, तो एक मंत्र से शुरू करना चाहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रवाह निर्विघ्नं कृमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ, तो ऐसी ही शाम थी, सॉरी सुबह थी, शाम नहीं थी, और मस्त कैलाश पर, कैलाश पर्वत जानते हो ना, कैलाश पर्वत, कैलाश कैलाश एकदम मस्त वाली ठंडी रहती है, बर्फ रहते हैं, बर्फ से, जस्ट इमेजिन करो कि बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है कैलाश पर्वत, उधर माँ पार्वती है। ठीक है, तो उनका मन सुबह सुबह उठे, तो सुबह सुबह क्या नहाने का मन करता है ना, तो मस्त नहाने गए। ठीक है, नहाने को गए तो बाहर दरबारी तो चाहिए, दरबारी कोई नहीं था, रक्षा करने के लिए कोई नहीं था उनका, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कुछ बनाती हूँ, लाइक पर पार्वती तो भगवान है ना, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने अब वो हल्दी से एक पुतला बनाया, ठीक है, और उसमें उन्होंने जान डाली, लाइव लाइव, ओके लाइव, तो उन्होंने उसमें जान डाली, तो गणेश जी बने। ठीक है, तो पार्वती ने गणेश जी को बनाया, तो गणेश जी की वो माँ हुई ना, अम्मा, अम्मा हुई, तो गणेश जी से उन्होंने कहा कि बेटे मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम जाकर बाहर दरबारी दरबारी बनकर रक्षा करो कि कोई किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है, अंदर नहीं आने देना। ठीक है, गणेश जी ठहरे बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी कौन कौन है? अपनी मम्मी को सुनते हो, माँ की सुनते हो, माँ की सुनते हो, पक्का या झूठ बोल रहे हो? मैं जाकर तुम्हारी अम्मा से पूछूंगा अभी, ठीक है, झूठ नहीं बोलने का। हाँ, तो ऐसा हुआ कि हाँ गणेश जी बाहर थे, तो शंकर जी आए, शंकर जी गए थे बाहर, जॉब करने नहीं गए थे। ठीक है, वो शंकर जी जॉब नहीं करते हैं, माँ कैलाश पे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। ठीक है, तो आराम से आए शंकर जी, आए गणेश जी को बोला, क्या क्या बोला मालूम है? अरे यार, ठीक है कोई नहीं, मैं बताएगा ना, टेंशन को लेने का। तो शंकर जी बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, समझे? तो गणेश जी बोलते हैं नहीं, मुझे माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे, तो शंकर जी को जाने नहीं दिया। अब शंकर जी ठहरे गुस्सैल आदमी, एंग्री यंग मैन नहीं, बहुत साल पुराने बुढ़े, पर बुढ़े नहीं बोलने का, एंग्री यंग मैन वाले गुस्सा हो गए कि नहीं मेरा घर तुम मुझे नहीं जाने दोगे, ये तो कभी अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, क्या हुआ मालूम है उसके बाद क्या हुआ? सोचो, अरे थोड़ा सोच भी लो यार, दिमाग है, थोड़ा तो सोचो। हाँ देखो, तालिया तालिया तालिया, गणेश नहीं माना। ठीक है, शंकर जी और गुस्सा हो गए। फिर शंकर जी का सवारी कौन है, किस पे चलते हैं? शंकर जी का नंदी। हाँ, तो शंकर जी बोले नंदी तुम जाकर इस हठी वालों को, इस जो भी मतलब मूर्ख वालों को हटाओ इधर से, क्योंकि मुझे घर जाना है यार, थक चुका हूँ कैलाश पर्वत पे चलते चलते। ठीक है, तो नंदी गए, बट नंदी गए पर गणेश जी ठहरे बलवान, स्ट्रांग, बुद्धिमान, वाइज। बुद्धिमान हो तुम, वाइज हो ना, पक्का? मुझे तो शक हो रहा है। नहीं, वाइज है। हाँ, तो नंदी गए, उनसे प्रार्थना की, प्रार्थना प्रेयर किया कि हे गणेश आप रास्ता छोड़ दीजिए, पार्वती से मिलने दीजिए शंकर जी को। बट क्या था, गणेश जी फिर क्या बोले, नहीं माने। ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे यार, क्योंकि आज्ञाकारी बंदे हैं वो। ठीक है, आज्ञाकारी है मस्त। तो फिर क्या हुआ, लड़ाई हुई मस्त। लड़ाई क्यों,
ये तैयार हो गए एकदम, क्या लेकर मैं मार डालना है एकदम, ठीक है। तो ऐसा ही लड़ाई हुई, नंदी बेचारे हार गए यार, सैड, थोड़ा सा सैड, नंदी हार गए, बड़े नंदी हार गए। शंकर जी को और आई गुस्सा, शंकर जी गुस्से में उठे, फिर क्या किए, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। तो उनके पास रहता है त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल उठाया और फेंका, शंकर जी का गला कट गया, सॉरी गणेश जी का गला कट गया, गणेश जी का गला कट गया, ठीक है। अब पार्वती को उनकी चीख चिल्लाई थी, सुनाई थी, माँ माँ ऐसा। पार्वती जी भागे भागे बाहर आए, वो देखी गणेश जी पड़े हुए हैं, उनका सिर धर से अलग अलग है। उन्हें बहुत दुख हुआ, रोने लगी और शंकर जी से बोली, हे नाथ, ये आपने क्या किया, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया, मुझे मेरे पुत्र चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरे पुत्र, मैंने उसे प्रेम से बनाया था। सब देव देवतागण शांत, माहौल शांत हो गया, सभी लोग दुखी थे, सभी के आंखों से आंसू गिर रहे थे, रो रहे थे। शंकर जी भी क्रोधित थे, पर पत्नी की बात कौन नहीं मानता यार। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने बोला अपने अपने यार अपने नंदी से, यार तुम सोचने लगते हो यार, इतना मत सोचो, छोटा सा दिमाग है, ज्यादा प्रेशर मत लो, डोंट वरी। तो नंदी से बोला, नंदी जाओ, जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, पीठ बैक 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 करके सोई हो, उसका सर लेकर आ जाओ, जो भी पहले दिखे तुमको। नंदी भागा, सॉरी तबक तबक तो घोड़ा घोड़ा भागता है, नंदी भागा, पृथ्वी पे आया, ठीक है, पृथ्वी पे आया। उसके बाद देखा कि यार कौन है कौन है कौन है, कोई मिल ही नहीं रहा। उसकी नजर पड़ी फिर एक हाथी के बच्चे पे और उसकी माँ पे। उसकी माँ क्या कर रखी थी, उसकी तरफ पीट करके सोई हुई थी, और हाथी का बच्चा मस्त खेल रहा था यार, क्यूट सा बच्चा, ठीक है, तुम्हारे जैसा। यार गुस्सा ऐसे ना करो यार, डर लगता है भाई। भाई मैं बोलना बंद कर दूंगा। स्माइल स्माइल, हाँ ना, ठीक है, ये मन में बोल रहा है, ठीक है, तूने मेरी बेइज्जती की ना, तू बस माइक से निकल, मैं तेरे को मारने वाला हूँ, ऐसा क्या, हाँ तो ठीक है, थैंक यू। तो क्या हुआ, दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, हाथी का बच्चा दिखा। हाथी के बच्चे को उसने उठा लिया, जो नंदी थे उठा लिया, उनका सर लेकर गए कहाँ, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कैसा था, बर्फ से ढका हुआ, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गए तो सब, शंकर जी पार्वती जी ने पूछा, ये क्या लेकर आ गए हो, ये क्या है, बुक नहीं है, हाथी है, हाथी का सर है। पार्वती जी को तो उनसे प्रेम था गणेश से, तो उन्होंने बोला कि आज जो है सो है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। किस माँ को अपने बच्चे से प्रेम नहीं होता है, ऑफकोर्स सबको होता है, हाँ ना, हाँ। तो शंकर जी ने फिर अपनी मैजिक 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 से उस सर को उस शरीर से जोड़ा, और फिर आए हमारे गणपति बप्पा, समझे, तो ऐसे आए हमारे गणपति बप्पा जिनको तुम पूज रहे थे, समझे। तो उनकी तरह मस्त बुद्धिमान बनने का, मस्त स्ट्रॉन्ग बनने का, मस्त मजे करने का रहे, बस इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।